नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीएम किसान सम्मान स्कीम के तहत किसानों के खाते में डाले 50,850 करोड़। तो दोस्तों, सरकार ने बताया आगे का प्लान। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि 50,850 करोड़ रुपये किन के खातों में डाले गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 50,850 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 50,850 करोड़ रुपए है वो अभी तक किसानों को वो खाते में जा चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। 24 फरवरी को इस स्कीम का 1 साल पूरे होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी को है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वो 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत किसानों के खातों में बैंक खाते में कुल 87,000 करोड़ रुपये भेजने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब 24 फरवरी को 87,000 करोड़ रुपए भेजने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, नई दिल्ली, दोस्तों मोदी सरकार की सुपर हिट स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 50,800 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। 24 फरवरी को इस स्कीम का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत सीधे किसानों के बैंक खाते में कुल 87,000 करोड़ रुपये भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे जैसे लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होगा और वैसे वैसे बची हुई रकम भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिनका अभी तक फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका जैसे भी वेरिफिकेशन होगा तो उनको जो बची हुई रकम है वो भेज दी जाएगी। अगर आपने भी इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए अप्लाई किया है और अब तक बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आसानी से इसके बारे में पता कर सकते हैं और इसका स्टेटस जानना भी बहुत आसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप तैयार हो जाइए, आपको पैसा मिलने वाला है। और दोस्तों, इसका साथ ही स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान हो गया है। केंद्रीय राज्य कल्याण कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल तथा बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है और उसके साथ पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, कोई दिक्कत है तो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। पीएम किसान योजना का पूरा किया 1 साल, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के बीच अभी तक 50,850 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना के 24 फरवरी को 1 साल पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले साल 24 फरवरी को इस योजना का औपचारिक शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की मदद मिलती है। आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2020 को 1 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि दोस्तों 1 साल पूरा होने पर जिन किसानों का वेरिफिकेशन हो चुका है उन सभी किसानों को है वो बची हुई किस्त मिलने वाली है। दोस्तों, 24 फरवरी के बाद आपको जो किस्तें वेरिफिकेशन करवाया था, दोस्तों जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन करवाया था और दोस्तों जिन्होंने फॉर्म में जो गलती हुई थी वो सभी ने वेरिफिकेशन करवाया था, उन सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सरकारी योजना और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।